सुनो ना, उधर आओ ना पीछे इधर। हैप्पी बर्थडे। आराम से आराम से आराम से। यस हल्ला करो इधर, गुर्रे खा रही है, खाना नहीं है। हो गया भाई। कैसा रिजल्ट आया इस बार, कितने मार्क्स हैं आपके? इस पर 90 आया। 90% रिजल्ट है, कितनी खुशी है? जो खुशी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में और नंबर आना चाहिए था। तो आगे क्या सोचा है? आगे अभी ड्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इस बार के रिजल्ट से गार्जियन खुश है? प्रिपरेशन कैसी थी एग्जाम को लेकर? प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा थी और मार्क्स भी ठीक है, लेकिन और होना चाहिए था। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। कितने मार्क्स आए हैं आपको और कैसा प्रिपरेशन रहा था? मेरे को 88% आया, 88% एंड प्रिपरेशन वाज ओके, लाइक आई हैव गिवन माय 100%। इट्स लाइक कि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन था। हिस्ट्री एज शी सेड कि हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो गया है। फ्यूचर एंडेवर्स क्या है आपके? फ्यूचर में आई हैव थॉट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई गेस, अगर इफ लाइक बाय गॉड्स ग्रेस आई गेस आई विल गेट देयर। I just wanted to be there, like in DLLE. Which stream you want? I want political science honors. I want to, like, politics is my core subject, so I want, and I've scored good in politics, so I can like get the thing I wanted. You want to become a politician? Not exactly, but yeah, you can say. Thank you. What's your name? My name is Saloni. Thank you so much. मुझे 92% आए हैं ऑलमोस्ट, और ह्यूमैनिटीज में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। बट ताजुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया, और ना ही मैंने किसी तरह का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। मैं बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट रहा, और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक। बोर्ड्स के एग्जाम में स्कूल का कितना सपोर्ट था? आई थिंक बोर्ड्स के मार्क्स में स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और हमारे टीचर का वन ऑफ द मोस्ट सपोर्ट था, क्योंकि हमारे सर ने ही हमें ये सिखाया है कि हमें मतलब पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को एक डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, कि उसे जितने भी मार्क्स आए उसे उन मार्क्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर 95 आता है तो गुड इनफ, वरना ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 95 आने पर भी रोते हैं। अदरवाइज ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 80% लाते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल, और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने शायद कोई गलती की होगी जिसकी वजह से मुझे ऐसे मार्क्स आए, तो मैं ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स बनना चाहिए। फ्यूचर एंडेवर्स क्या है आपके? फ्यूचर एंडेवर्स तो लॉयर बनना है मेरा, और अभी हाल में मैंने यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं। अब आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, लेट्स सी। माय नेम इज शाश्वत। दोनों हाथ से करो ना, चलो चलो दोनों हाथ से, चलो चलो। जय
श्री राम। चलो जय श्री राम ही बोलो, चलो चलो। तुम भी हाथ में लो ना लड्डू, सर के मुंह पे खाली रखो फोटो के लिए, चलो रखो, खिलाने की जरूरत नहीं है, लड्डू दिखाने दो। हाँ चलो 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 लड्डू दिखा दो। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके, कितने डिवीजन हैं, क्या? मेरा परसेंटेज आया है 93.2% एंड फर्स्ट डिवीजन है। मेरा नाम साक्षी है। कैसी तैयारी थी, प्रिपरेशन? तैयारी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, इजी थे, मॉडरेट लेवल के थे, उतना कुछ टफ नहीं था, तो ठीक है, अच्छा परसेंट है, हम सेटिस्फाइड हैं। स्कूल का कितना सपोर्ट था आप लोगों के एग्जाम में? स्कूल का सपोर्ट था, स्कूल हम लोग का मतलब टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट करता था, मंडे टेस्ट कंडक्ट करता था, जिसके कारण हम लोग का जितना लैग हो रहे थे हम ये पता चलता था, और हम लोग का प्री बोर्ड्स भी होता था, तो मतलब ठीक था, बहुत अच्छा। टाइम टू टाइम लोगों का सैंपल पेपर सॉल्व करवाया जाता था क्लासेस में, तो बहुत अच्छा सपोर्ट था स्कूल का। अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या आप देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे जो आप लोगों ने एग्जाम में फेस किया है? अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि कॉन्स्टेंट रहना पढ़ाई में, जो स्कूल बता रहा है, क्योंकि टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो जो जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे उनको फॉलो करो, और सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वैसे हम लोग को पता चलता है हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं आपके, क्या मतलब? मेरा भी प्लान तो है कि हम IIM से MBA करें एंड एंटरप्रेन्योर बने, ये स्टार्टअप करें। थैंक यू। अरे तुम लोग उतना बढ़िया थे, ऐसे दोनों। कितने परसेंट मार्क्स हैं, कैसा रिजल्ट है आपका? मेरा 93% है और अच्छा रिजल्ट। प्रिपरेशन कैसी थी इस बार एग्जाम को लेकर? प्रिपरेशन तो ये कोरोना में तो हम लोग का 10th बैच निकला था, तो पहला बार दे रहे थे बोर्ड्स, तो थोड़ा नर्वस थे, लेकिन होप था कि अच्छा जाएगा और अच्छा गया। स्कूल का कितना सपोर्ट था? स्कूल का 100% सपोर्ट था, वो लोग ऑल टाइम हम लोग के साथ थे, डाउट क्लियर कर रहे थे और मतलब हर चीज समझा के पढ़ा रहे थे। तो क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर एंडेवर्स क्या है? फ्यूचर क्या कहते हैं, आइदर डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सृष्टि शंकर हुआ। चलिए रेड, ये हंसना है, हाथ निकालते हुए नीचे आना है, ठीक है? रेडी, 1 2 3। आपके कैसे प्रिपरेशन थे? 95.8% आया और पूरा NCERT पे ज़्यादा फोकस किया मैंने थ्रू आउट द जर्नी, लाइक और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस किया, और फिर NCERT को बार बार रीड करने, बायो में स्पेशली, और केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक के लिए NCERT मैंने ज़्यादा NCERT पे ज़्यादा फोकस किया, और इनऑर्गेनिक के लिए भी, और फिजिकल के लिए NCERT के जो पीछे में बैक में जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया। क्या इन सब का फ़ायदा आपको मिला आपके रिजल्ट में, जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है स्टेप बाई स्टेप? बिल्कुल। स्कूल का कितना सपोर्ट था आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट में, कितना देखते हैं स्कूल के सपोर्ट को? स्कूल का भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल था, क्योंकि कोचिंग में तो सपोर्ट रहता है, लेकिन स्कूल का जो रहता है वो मेन सपोर्ट रहता है। तो आगे फ्यूचर एंडेवर्स क्या है? वैसे तो मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हंसिका। रिजल्ट तो अच्छा है, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा अच्छा है, 94.8 आया है। और किस तरीके से सपोर्ट था आप लोगों को? स्कूल में सारे टीचर्स ने सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा, और जितने भी मेरे डाउट्स थे उन्होंने हमेशा उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। चित्रा सर, आपके स्कूल का क्या परसेंटेज आया है इस बार के 12th बोर्ड एग्जाम में, कितने बच्चे पास किए हैं इस बार? हमारे यहाँ 97% ओवरऑल पास परसेंटेज है, और 96% हाईएस्ट है, यस टॉपर्स हमारे यहाँ हैं। वी आर सेटिस्फाइड आवर रिजल्ट, हम लोग सर खुश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं जो कि एवरेज और बिलो एवरेज के बच्चे आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे तराशते हैं और बनाते हैं, तब ये रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है? स्कूल किस तरीके से आगे प्रिपेयर करेगा अपने बच्चों को कि और बस हम लोग इसी पथ पे, हम लोग आज से नहीं पिछले 37 वर्षों से चल रहे हैं, ये 37 वर्ष पुराना स्कूल है,
पटना नहीं पूरे बिहार का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, ठीक है। और यहाँ के टीचर, यहाँ का मैनेजमेंट, हम लोग सारे बच्चों के प्रति काफ़ी समर्पित रहते हैं ओवरऑल। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, मैं ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन में एज ए इंचार्ज ग्रुप में काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? मेरा नाम स्वंश्री है, मैं अभी अभी मेरा जस्ट रिजल्ट आया है, मेरे 95% आए हैं बोर्ड्स में। कैसी प्रिपरेशन थी एग्जाम को लेकर? ठीक, बढ़िया थी, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उतना आ नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैंने मेहनत लगी। का किस तरीके से सपोर्ट रहा आप लोग? स्कूल का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने सारा कुछ डाउट क्लियर करते थे, वो लोग सारे कुछ हेल्प करते थे हमारी। और फिर इनका रोल भी बहुत अच्छा था, हम मतलब एक एक चीज़ हम लोग को अच्छे से सिखाते थे, पढ़ाते थे, बोर्ड पे बहुत अच्छे से बताते थे, कोई भी डाउट नहीं होने देते थे मन में। आगे आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो इस बार बोर्ड्स में? बस चिल रहो, काम करो, जो कर रहे हो करते रहो, बढ़िया नंबर बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ्यूचर एंडेवर्स हैं आपको, क्या बनना चाहते हैं? मेरा एम तो है साइंस में ही बहुत आगे बहुत कुछ करना है, जैसे फिजिक्स को लेके ही मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, और यही स्पेस साइंस को लेके बहुत इंटरेस्ट है, तो उसी में आगे बढ़ना है। हाँ हाँ, एग्जाम दे रहा हूँ अभी, एक एग्जाम दिया है जेई मेंस, अब एडवांस देना है।